हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम जे आर कुमावत। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट जेंडर। ये टॉपिक शब्द दिखने में तो छोटा है, लेकिन शब्दों का खेल बहुत बड़ा है। और ये शब्द अच्छे अच्छे गेम में खेल बिगाड़ देते हैं। इस कारण से इन शब्दों को और इनकी विशेषताओं को समझना बहुत ही जरूरी और व्यवस्थित तरीके से आवश्यक है। इसलिए आइए चलते हैं, शुरू करते हैं इस टॉपिक को। हाँ, एक बात जरूर है कि ये छोटी क्लासों में भी हर एग्जाम में सवाल इनसे पूछा जाता है और कंपटीशन क्लासेस में तो पूछा ही जाता है, क्योंकि इसमें शब्दों का खेल है। इसलिए आइए अपन शुरू करते हैं जेंडर। तो जेंडर अपने आप में क्या है? जेंडर का मतलब होता है लिंग। जेंडर का मतलब होता है लिंग। क्या होता है ये जेंडर? आइए, फैक्ट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल, यानी पुरुष या स्त्री होने के भाव को दर्शाना लिंग कहलाता है। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। जेंडर रेफर्स टू द सोशली कंस्ट्रक्टेड। जेंडर क्या करता है? बतलाता है। लिंग क्या बतलाता है? कि जेंडर रेफर टू द सोशली कंस्ट्रक्टेड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुमेन एंड मैन, यानी पुरुष और महिला द्वारा उनके सामाजिक जो ताना बाना है, जो विशेषता है, उनको जो रेफर करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? जेंडर कहते हैं। और वो क्या क्या है ताना बाना? जैसे नॉर्म्स बने हुए होते हैं, रूल्स होते हैं, रिलेशनशिप होती है, इन सब को मिला करके हम क्या कहते हैं? उसको जेंडर कहते हैं। अब ये जेंडर वैसे मोस्टली तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन एक और जेंडर बनाया हुआ है। टोटल कुल मिलाकर ये चार जेंडर है। आइए हम इसके बारे में देखते हैं। पहला है मैस्कुलाइन जेंडर। मैस्कुलाइन यानी कि पुल्लिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? अ नाउन डिनोट्स मेल इज सेड टू बी ऑफ मैस्कुलाइन, यानी ऐसा नाउन जो पुरुष के भाव को बतलाता है, हमें पुरुष होने के भाव को बतलाता है, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। ध्यान रखना, जैसे मैन है, बॉय है, मैन यानी आदमी, बॉय यानी लड़का, किंग यानी राजा, फादर यानी पिताजी और लॉयन यानी शेर, ये जो शब्द है ये मेल होने का भाव दर्शाते हैं, इस कारण से इसको हम मैस्कुलाइन कहते हैं। नेक्स्ट सेकेंड है फेमिनाइन जेंडर, और फेमिनाइन जेंडर होता है स्त्रीलिंग। अ नाउन डिनोट्स फीमेल इज सेड टू बी ऑफ फेमिनाइन, यानी वह लिंग जो स्त्रीत्व होने का भाव दर्शाता है, उसे हम फेमिनाइन या स्त्रीलिंग कहते हैं। यानी स्त्री के भाव को, हमें स्त्रीत्व के भाव का बोध कराते हैं, हम उसको फेमिनाइन जेंडर या स्त्रीलिंग कहते हैं। वो जैसे एग्जाम्पल वुमन, वुमन 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 यानी महिला, ये अगर इसका प्लूरल बना देते डब्ल्यू ओ एम ई एन तो विमिन हो जाता। उच्चारण प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखें। विमन, क्वीन, क्वीन यानी रानी, गर्ल, मदर, काउ, लायनेस मतलब शेरनी, मदर यानी माता, काउ यानी गाय, तो ये क्या है? स्त्रीलिंग को शो करते हैं। उसके बाद में तीसरा है कॉमन जेंडर। अब कॉमन जेंडर उभयलिंग। उभयलिंग किसे कहते हैं? जिसमें दोनों गुण होते हैं, मतलब जिससे दोनों का भाव प्रकट होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का। दो नाउन्स, ऐसे नाउन देट आर यूज फॉर बोथ द जेंडर, ऐसे नाउन जो दोनों पुल्लिंग और स्त्रीलिंग यानी मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज किए जाते हैं, ऐसे नाउन को हम
कॉमन जेंडर या उभय लिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स टीचर, अब टीचर में मैडम भी होती है और सर भी होता है। अध्यापिका और अध्यापक दोनों के लिए हम टीचर शब्द का इंग्लिश में यूज करते हैं। डॉक्टर, डॉक्टर में महिला भी होता है पुरुष भी होता है दोनों के लिए। चाइल्ड, चाइल्ड अब गर्ल्स भी हो सकती है बॉयज भी हो सकता है उसको हम कहते हैं चाइल्ड है। स्टूडेंट, विद्यार्थी, विद्यार्थी गर्ल्स भी होती है और बॉयज भी दोनों के लिए हम किसका शब्द, किस शब्द का यूज करते हैं स्टूडेंट का। तो ये जो इस प्रकार की जो कॉमन वर्ड है जो पुरुष और महिला, मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होते हैं, जैसे सर्वेंट, लेडी सर्वेंट भी होता है मेन सर्वेंट भी हो सकता है, तो उनके लिए हम किसका यूज करते हैं सर्वेंट शब्द का ही यूज करते हैं। सर्वेंट का मतलब नौकर होता है। और उसके बाद में नर्स, धाय हिंदी में जिसको हम धाय बोलते हैं, अब ये दोनों के लिए धाय पुरुष भी हो सकता है महिला भी हो सकती है। तो ऐसे जो कॉमन वर्ड है, जो कॉमन नाउन है जो दोनों के लिए पुरुष और महिला, मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होते हैं उसको हम फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर अ नाउन दैट इज नाइदर मैस्कुलाइन नॉर फेमिनाइन। न्यूट्रल जेंडर उसको कहते हैं जो न तो पुल्लिंग होता है न स्त्रीलिंग होता है, मीन्स न मैस्कुलाइन और न ही फेमिनाइन, उसे हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। और ऑल दैट नॉन लिविंग थिंग्स, वे सब चीजें जो नॉन लिविंग होती है उसको हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। अब न्यूट्रल जेंडर में आप समझ लो फैन है, कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, जैसे रूम है, ये पेन है, बुक है, सोफा है, चेयर है, ट्री है, ये सब किसमें आएंगे न्यूट्रल जेंडर में। तो एक बार वापस रिपीट कर लें, मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर, अंगुली पे याद होने चाहिए। अब उसके बाद में ऑपोजिट जेंडर बनाने के नियम, मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बनाने के, जेंडर बनाने के क्या नियम है उसका थोड़ा सा हम कैटेगरी वाइज डिस्कस करते हैं ताकि और समझ में आ सके। जैसे इरेगुलर, बाय चेंज द वर्ड, अब कुछ शब्दों को चेंज करके, कुछ शब्द में परिवर्तन करके, जिसमें शब्द परिवर्तन करके एक नया जो है ऑपोजिट जेंडर बनाते हैं, जैसे बॉय का घर, ब्रदर का सिस्टर, फादर का मदर, ये सामान्य शब्द है जो डेली जीवन में हमारे उपयोग में आने वाले शब्द है जिसका मीनिंग भी आपको पता होगा। अंकल का आंट, नेफ्यू का नाइस, किंग का क्वीन, किंग यानी राजा, क्वीन यानी रानी, तो ऑपोजिट जेंडर हो गया। इनका सबका मतलब शब्द बिल्कुल भिन्न है, सर का मैडम, बुल का काऊ, बी यू डबल एल, बुल का काऊ, हॉर्स का मेयर, हॉर्स यानी घोड़ा, मेयर यानी घोड़ी, कॉग यानी मुर्गा, हैन यानी मुर्गी, डॉग का बीच, डॉग यानी कुत्ता, बीच यानी कुतिया, ड्रोन यानी मादा मधुमक्खी, और बी यानी ड्रोन यानी नर मधुमक्खी और बी यानी मादा मधुमक्खी। उसके बाद में सन डॉटर, पुत्र पुत्री, हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी, विजार्ड विच, जादूगर जादूगरनी, लेड लास्ट लड़का लड़की, हीरो हीरो नायक नायिका, मोंक यानी साधु, नन सन्यासी, फॉक्स यानी नर लोमड़ी और विग्जन मादा लोमड़ी, ध्यान रखना, स्टेग यानी बारह सिंगा, हिंद यानी बारह सिंगी, जेंटलमैन लेडी। ये थे कुछ शब्द बिल्कुल चेंज होकर के ऑपोजिट जेंडर बनना। अब कुछ जेंडर है जो मैस्कुलाइन के अंत में ई डबल एस लगाकर फेमिनाइन बनाना, मैस्कुलाइन के, मैस्कुलाइन जो वर्ड है उसके अंत में यानी पुल्लिंग शब्द के अंत में ई डबल एस लगा करके और नया शब्द यानी ऑपोजिट जेंडर फेमिनाइन बनाना, जैसे ऑथर यानी लेखक, ऑथरेस, ई डबल एस लग गया, मेयर मेयरेस, आपने नाम सुना होगा मेयर ऑफ कैस्टल ब्रिज, मेयर ऑफ कैस्टल ब्रिज, पोइट पोइटेस, प्रोफेट प्रोफेटेस, बैरन बैरनेस, हेयर
हेयरेस्ट मतलब उत्तराधिकारी उत्तराधिकारिणी, ई डबल एस लग रहा है इस बात का विशेष ध्यान रखना, पेट्रोन पेट्रोनेस, होस्ट होस्टेस, ज्यू यूएसए यूएस, पियर पियर्स, ट्यूटर ट्यूटरेस, स्टीवर्ड स्टीवर्ड्स। स्टीवर्ड्स क्या होता है, जो करिंदा जिसको बोलते हैं, जो जहाज का जो दल होता है उसका जो सेवक होता है उसको स्टीवर्ड बोलते हैं। प्रिस्ट प्रिस्टेस, प्रिस्ट का मतलब पुजारी पादरी होता है ना, और पादरी। जायंट यानी राक्षस राक्षसनी। रूल नंबर थ्री, मैस्कुलाइन के अंतिम वोवेल से पहले वाले कॉन्सोनेंट को हटाकर अंत में ई डबल एस जोड़ करके हम ऑपोजिट जेंडर यानी कि फेमिनाइन जेंडर बनाते हैं। जैसे एक्टर है, ए सी टी ओ आर, आर कॉन्सोनेंट और उससे पहले वाले वोवल, वोवल को हटा देते हैं और फिर पीछे ई डबल एस लगा देते, तो एक्ट्रेस हो जाएगा। जैसे डायरेक्टर है, डायरेक्टर में अंतिम कॉन्सोनेंट ओ को हटा करके और पीछे डब्ल्यू एस लगाने से डायरेक्ट्रेस बन जाएगा। प्रिंस प्रिंसेस, नेग्रो नेग्रोसेस नेग्रेस और वेटर वेट्रेस। इस प्रकार से अगला रूल से मैस्कुलाइन के शब्द में कुछ परिवर्तन कर अंत में ई डबल एस, इसमें क्या है कि परिवर्तन हो जाता है, शब्द में परिवर्तन होकर के उसके बाद में ई डबल एस लगाते हैं। जैसे एबोट अबेस, एम्परर एम्प्रेस, गवर्नर गवर्नेस, मार्किस मार्किनेस, गोड गोडेस, बीच में शब्द जुड़ता है और ई डबल एस भी लग रहा है। ड्यूक डचेस, ई डबल एस भी लगा और ड्यूक के जगह सी एच हो गया। सॉर्सर सॉर्सरेज। उसके बाद में आइए रोल नंबर फाइव की तरफ, कंपाउंड मैस्कुलाइन नाउन में। कंपाउंड का मतलब होता है एक से अधिक शब्दों का जो जोड़ा होता है और हाइफन के द्वारा जुड़े हुए होते हैं या वैसे भी होते हैं, मोस्टली हाइफन के द्वारा जुड़े हुए जो शब्द होते हैं उसको कंपाउंड वर्ड बोलते हैं, ध्यान रखना। तो जैसे वॉशरमैन वॉशर और मैन, वॉशरमैन वॉशर वुमन, बुल काफ काउ काफ, यानी कि जो बछड़ा होता है उस बछड़े, जो बछड़ा होता है वो नर बछड़ा होता है काउ काफ, और काउ बुल काफ, और जो बछड़ी होती है उसको काउ काफ कहते हैं। फिर जैक आस जेनी आस, आस मतलब गधा होता है, ध्यान रखना। तो लैंड लॉर्ड लैंड लेडी, मिल्कमैन मिल्क मैड, मैन और मैड, टॉमलेट टॉम कैट सी कैट, टॉम कैट सी कैट, ही गोट सी गोट, पिकॉक पी हेन, शब्दों में परिवर्तन कुछ हो रहा है। उसके बाद में कुछ मिसलेनियस वर्ड्स है जो कि यूज ज्यादा यूज होते हैं, उन शब्दों को मैंने यहां लिस्टेड किया है ताकि आपके कहीं पर भी आपके इंग्लिश लैंग्वेज में बीच में शब्द आए तो आपको प्रॉब्लम ना हो यहां पढ़ लेने से। जैसे व्यू, व्यू का मतलब प्रेमी होता है, और बैल यानी रूपवती प्रेमी लड़का, और बैल मतलब प्रेमी लड़की। फॉल्ट अनुभवहीन, और उसका ऑपोजिट अनुभवहीन लड़की होती है तो उसको फिल्मी बोलते हैं। ब्राइड ग्रूम ब्राइड, दुल्हा दुल्हन, बैचलर यानी कुंवारा लड़का, मैड यानी कुंवारी लड़की, ड्रैक डक। अब ये जो ड्रैक होता है, जो नर हंस होता है ना उसको बोलते हैं, और ड्यू डक यानी बतख। एग्जीक्यूटर एग्जीक्यूट्रिक्स, ध्यान रखना। अब ये दो शब्द है जो बहुत फेमस है, जो मॉडर्न एरियाज में, जो जहां कंट्रीज है वहां सुल्तान और सुल्ताना वर्ड का यूज किया जाता है, जैसे किंग और क्वीन होता है ना वैसे। और जो रूस वगैरह जो साम्राज्य थे वहां पर जार होता था राजा, तो ये जार है, इसकी स्पेलिंग ध्यान रखना सी जेड आर जार और जरीना, जैसे सुल्तान और सुल्ताना है उसी प्रकार से जार और जरीना, लेकिन इसकी स्पेलिंग ध्यान रखना, पहले सी जुड़ता और सी म्यूट रहता। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, वॉच द वीडियो टिल द एंड, थैंक यू, बाय बाय।